हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। आ जाओ फटाफट बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज भाई मज़ा नहीं आ रही, बच्चे बहुत कम जुड़े हैं। कहाँ चले गए सब? नानी के यहाँ चले गए का लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाओ जल्दी से, जैसे आप जानते हो रात्रि 9 बजे से हर रोज़ ये लाइव चलता है, तो भैया रात्रि के 9 बज चुके हैं और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जुड़ जाओ सभी, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आज बहुत कम बच्चे जुड़े यार, मतलब हम पढ़ाएंगे भी नहीं, ये भी जान लो बस। कहाँ चले गए सब आज? आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं किया क्या? फटाफट आप सभी क्लास को शेयर करिए, बच्चों में जल्दी से शेयर करिए। हम इंतज़ार करेंगे 5 मिनट, अभी तो सिर्फ 10 जुड़े हैं यार। ऐसे कैसे काम चलेगा जब तक 100 बच्चे कम से कम नहीं होंगे? जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दो, सभी से विनम्र निवेदन है। बहुत से छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज आपको क्वालिटी कुछ अलग दिखेगी थोड़ा बहुत। अंजू चौहान, रंजना सिंह, अनंत पांडे, नीलम राणा, अखिलेश यादव। अच्छा भैया, तो सब बच्चे आ गए, बड़े छोटे सब। आप लोग जल्दी शेयर करो, पहले बच्चे इकट्ठा होंगे तभी कुछ आगे होगा, नहीं तो होगा नहीं आज। जल्दी करिए, फटाफट शेयर करिए। भावना शर्मा, रघुवेंद्र सिंह, बिल्कुल पढ़ाएंगे लेकिन आप लोग वीडियो शेयर तो करो, संख्या तो जुड़े यार। मतलब अगर 50 भी संख्या नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? ऐसे मज़ा नहीं आएगा जितना ये संख्या आ रही है। फिर चलेगी नहीं क्लास? आज हुआ क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कल भी तो बच्चे थे, परसों भी थे, 4-5 दिन से लगातार बच्चे हैं, सब कहाँ गए आज? चलिए हम जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे कुछ आपको दिखाते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं, अभी आ जाएंगे, 2-4 मिनट इंतज़ार करेंगे हम, आ जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, पूर्ण संख्याओं में गुणा के परगुण हम लोग पढ़ रहे थे ना? क्या पढ़ रहे थे? पूर्ण संख्याओं में गुणा के परगुण, संख्याओं में गुणा के परगुण। आप हेडिंग लिखो, अभी मैं कैमरा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा धुंधला है। गुणा के प्रगुण, कल यही पढ़ रहे थे ना, यही पहुंचे थे। आप लोग जो जुड़े हैं वो तो क्लास को लाइक करो ना यार, जो नहीं आए ठीक है लेकिन जो हैं वो तो लाइक करें। चलिए जल्दी करिए, जो बच्चे नहीं आए ठीक है लेकिन जो हैं वो तो क्लास को लाइक करें कम से कम। अब देखो कुछ क्लियरिटी हुई होगी पहले ज्यादा। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण कहाँ तक लिखे थे, इसमें कितना नंबर तक हुआ था ये बताओ, कितना नंबर तक हुआ था कल? जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे तब तक क्लास अच्छे से नहीं चलेगी। मैं फिलहाल शुरू तो कर रहा हूँ, तब तक ट्राई कर रहा हूँ। देखो इसमें संवरक नियम लिख लिए थे ना, बोलो हाँ, संवरक नियम लिख लिए थे। संवरक नियम के बाद क्रम विनिमय नियम लिखवा दिया था और शून्य का गुणन प्रगुण भी लिखवा दिया था और गुणा का तत्समक नियम भी कल लिखवा दिया था। गुणन का साहचर्य नियम की अगर बात करें तो साहचर्य नियम भी हो गया था ना शायद, प्रतिमा चौधरी, नीलम राणा, अंचल सिंह, अंकिता सिंह, हो गया था ना कल। तो गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम शायद लिखवाना था। कितने नंबर तक हुआ था? 5-6, हमें लगता है 5 तक हो गया था। तो हम 6वां नंबर शुरू करेंगे लेकिन बच्चे आज नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है आज। गुणन संख्या का योग का वितरण प्रगुण करवाना है, योग का वितरण प्रगुण, योग का वितरण प्रगुण तो हो गया था पहले ही। गुणन संख्या नहीं, पूर्ण संख्या, हाँ वितरण नियम बिल्कुल, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम आज ये करवाना है। 6वां नंबर, 5वां तक कल हो गया था, ये आपका सी नंबर था। यहाँ हेडिंग लिखो, सभी बच्चे हेडिंग लिखो, गुणन संक्रिया का योग पर, गुणन संक्रिया का योग पर, योग पर। भाई कॉपी पेन लेके बैठो, लिखना शुरू करो, फालतू तमाशा नहीं देखना यहाँ पे, लिखो जल्दी से। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, वितरण नियम, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। अच्छा ये बता, रोज से आज धुंधला दिख रहा है, रोज से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? रोज से ज़्यादा क्लियरिटी है हर रोज़ से ज़्यादा या फिर कम है, बताओ जल्दी से।
हर रोज से ज़्यादा क्लियरिटी है या फिर कम है? आज मैंने सिस्टम चेंज किया थोड़ा बहुत, आप लोगों को क्या लग रहा है, कम है आज? मतलब कल से ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, कम अच्छा दिख रहा है? चंदन आप भी जुड़ गए, सोनम, गुंजन सिंह, मतलब रोज से कम है, मतलब अधिकतर लोग तो बता रहे हैं कम है, हर रोज से ज़्यादा है, क्लियर ज़्यादा है, चलो ठीक है जो भी है लिखो। तो गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम कल हमें लिखवाना था, इसके पीछे हम सब लिखवा दिए थे, आप लोग इसको सीख गए हो, तो चलो इसमें देख लो गुणन संक्रिया का जो वितरण नियम है वो भी सीख लो। अब वितरण नियम में क्या यार, जैसे देखो हम चार संख्या, अगर तीन संख्या लेते हैं, तीन गुणा चार धन पाँच, तो दोनों पे गौर करना, ये अगर इनका हम डायरेक्ट सोल्यूशन करें, डायरेक्ट सोल्यूशन करें, ध्यान दो, मतलब ये जोड़ लो इसको, तो तीन गुणा नौ, पाँच चार नौ बराबर सत्ताईस होगा, बोलो ये होगा ना, इतना ठीक है? चलिए ठीक है, अगर कम है तो कल से फिर वैसे चलेगा, कल से फिर वैसे चलेगा, आज देख लो थोड़ा कम में ही देख लो, चलो। तो ये इतना हो गया, मतलब समझना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना पहले, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम हम सभी देख रहे हैं, इसमें हमने ऐसे हल किया इसको सीधा फीधा डायरेक्ट, तो क्या आया, सत्ताईस आया, लेकिन अगर हम वितरण नियम इसमें लगाएं, जो वितरण नियम के अकॉर्डिंग हल करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो देखो क्या तब भी बराबर आता है क्या, चलो उसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे, तीन का गुणा करो चार में, तो भैया ये तीन धन गुणा चार, बीच में धन और तीन गुणा पाँच, ये वितरण नियम के अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिए। संख्या भाई जुड़ नहीं रही, जो बच्चे शेयर नहीं किए जल्दी करें, नहीं तो फिर आगे क्लास नहीं चलेगी, मुश्किल होगी। अगर 50 से कम संख्या रहेगी, मैंने शुरू में बताया है कि अगर संख्या 50 से नीचे गई तो फिर क्लास आगे लंबी नहीं चलेगी, हाँ 10-5 मिनट खेल लो अलग बात है, फिर एक घंटा नहीं पढ़ाएंगे हम। और बच्चे आज बहुत कम जुड़े हैं, पता नहीं कहाँ चले गए सब, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, कोई त्यौहार भी तो नहीं आया है क्या, है क्या कुछ यार? जहाँ 200 बच्चे जुड़ते थे बड़े वाले चैनल पे, यहाँ पे कम से कम 100 तो जुड़ जाओ, और बड़े दुर्भाग्य की बात है जो इतने कम बच्चे आते हैं, मैं क्या कहूँ खुद को, नानी के घर गए हैं सब, नानी है क्या अभी आप लोग की? चलिए तो अब हाँ मतलब समझो, जाने दो, ये दोनों दशा में 27 आया कि नहीं बोलो, दोनों दशा में 27 आया ना, मतलब बराबर आया, यानी हमने डायरेक्ट किया तब भी 27 आया, इधर वितरण नियम के अकॉर्डिंग किया तब भी 27 आया। अब आगे आप नीचे लिखो, स्पष्टीकरण में लिखो फटाफट, स्पष्टीकरण में लिखो, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए, नीचे लिखो, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण होता है, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण होता है, ये हो गया, चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम अगला हेडिंग लिखेंगे, सभी बच्चे लिखो जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसको जल्दी से करवा दें, ये ख़त्म हो जाए तो कुछ मज़ेदार टॉपिक आए, इसमें बोरिंग लग रही ना बहुत, लेकिन अब क्या करें, अगर आप DLED के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ एक छोटा सा सवाल, नहीं आज ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा लिखना है, परेशान मत होइए, हाथ बढ़ाइए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, पेपर में लिखना पड़ेगा तो क्या करोगे, वहाँ क्या कोई जाएगा का लिखने वाला, कोई सेटिंग किए हो तो अलग बात है भाई, कोई लिख दे कॉपी, आजकल तो ये भी होता है। चलो ठीक है, देखो आगे, तो आपका ये पूरा हो गया गुणन वाला, हाँ अब चलो आगे, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, अब ये नंबर सी वाला पूरा हो गया, अब गुणा वाला पूरा हो गया, जोड़ वाला भी पूरा हो गया, घटाना वाला भी पूरा हो गया, भाग पूर्ण संख्याओं में ये भाग के प्रगुण या फिर भाग की संक्रिया आप लिख लो, चलो ये डी नंबर डालो, डी नंबर डालो ऊपर, मुख्य जो हेडिंग पढ़ती थी उसमें डी और उसके नीचे फर्स्ट नंबर, चलिए जल्दी करिए आप लोग, लिखिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, लिखो ना भाई यहाँ पे,
पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अब देखो भाग की संक्रिया में फिर वही सब करेंगे, वितरण साचर्य गुणन का अवयव, भाग का अवयव जो उसमें पढ़े वो सब इसमें पढ़ेंगे। चलो समवर्क नियम अब नीचे लिखो, भाग की संक्रिया में समवर्क प्रगुण, पहला है भाग की संक्रिया में समवर्क प्रगुण, संक्रिया में समवर्क प्रगुण। यार बच्चा लोग तुम कहाँ चले जाते हो भाई, सोनम यादव, ज्योति पटेल, संध्या कौशिक, अनंत पांडे, आसिफ हुसैन, ये सब अभी अभी आ रहे हैं ना, मतलब देर से आओ फिर कहोगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और ये बार बार एक तो हैं भैया वो थैंक्स थैंक्स बोल रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं बोल रहे हैं। हरिदेव प्रकाश यादव आप भी आ गए हो, चलो ठीक है तो इसको लिखते चलो बच्चा लोग। अभी संख्या पूरा नहीं हुई टारगेट वाली, आप लोग शेयर कर दो ना प्लीज़ यार, शेयर कर दो भैया, मज़ा नहीं आ रही है ऐसे। हाँ और हाँ जो बच्चे नए नए जुड़े हैं वो सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपका ये दूसरा चैनल है। चलिए आप देखो आगे, पूर्ण संख्याओं के युग्म 5, 6, 2, 5 और कुछ उदाहरण ले लें। हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में दूसरी संख्या से भाग देने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे इधर साइड में देख लो, एग्जाम्पल देख लो, अगर हम 15 में भाग करें 3 से तो 5 आता है, लेकिन अगर हम 3 में भाग करें 15 से तो कितना आएगा, आप लोग विचार करके बताओ, विचार करके बताओ भाई, 0.2 आएगा ना, 0.2 आएगा ना। अब देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, अगर हम ये चीज़ ऐसे करें तो ये भी एक नंबर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है ये पूर्ण संख्या है, ये बताओ क्या ये भी पूर्ण संख्या है, क्या ये भी पूर्ण संख्या है, नहीं ना, लिखो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्या ये पूर्ण संख्या नहीं। अब देखो मतलब समझो, यहाँ पे मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि जैसे समवर्क नियम में मैंने आपको बताया था वो एग्जाम्पल कि चूहा से चूहा पैदा होता, बिल्ली से बिल्ली, याद होगा ना आपको, उसमें क्या था वो गुणा और योग पर लागू होता है, ये वितरण जो समवर्क नियम है यो योग और गुणन पे लागू होता है, बाकी घटाने और भाग पे लागू नहीं होता है। देखो कैसे, देखो कैसे, अगर कोई दो पूर्ण संख्या ले लो, जैसे मान लो 3 और 5 लिया, तो इनको जोड़ोगे तो 8 आएगा, आएगा ना, यानी 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, हमने जोड़ा तो 8 आया, 8 भी क्या है एक पूर्ण संख्या है। यानी इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो बच्चा, यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जो 3 है वो पूर्ण है, 5 भी पूर्ण है, 8 भी क्या है पूर्ण संख्या है, मतलब सब एक सही दिशा में जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या होता है। लेकिन अगर भाग में देखो तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ इसमें अगर पलट के भी देख लो, 5 + 3 बराबर क्या है, तभी 8 आया, नंबर आगे पीछे किया तब भी उतना आया ना, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता है। भाग में अगर आप 15 पहले किए 3 बाद में किए तो 5 आता है, लेकिन अगर 3 पहले कर दिए 15 बाद में तो 0.2 आता है, यानी दोनों दशा में पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। तो आप क्या लिखोगे नीचे स्पष्टीकरण में, लिखो एक मिनट रुक जाओ, स्पष्टीकरण में नीचे लिखो आप लोग, अर्पिता सिंह आप अभी अभी जुड़ रही, देखिए जो भी बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं वो ये समझ लें कि भाई अगर देर में जुड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी, दोबारा कतई नहीं बताएंगे, ब्लॉक कर देंगे जो दोबारा अगर पूछा कोई देर में आया तो, जान लो ठीक ना। इसलिए क्या करोगे, इसलिए टाइम से जुड़ो, टाइम से जुड़ो, 9 बजे से लाइव है, 9 बजे से सारा काम धाम फुर्सत करके आ जाया करो। चलो लिखो नीचे लिखो, इसमें जो लिखना है इसके बारे में कन्फर्म करो, वो तो मैंने करवा दिया, आप नीचे लिखो। राघवेंद्र सिंह आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए, तो फिर हम आपको बताते हैं। इसमें स्पष्टीकरण लिखो, ये चीज़ तो आप देख लिए, ध्यान से देखे ना, देख लिए, अब बताइए हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में, हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में
लिखो, कुछ लोग तो मुंह फैला के सुन रहे होंगे क्या बोले जा रहा है, लिखो। अगर डीएलएड में आप हो तो, डीएलएड में नहीं हो तो आप जाओ, ये सिर्फ डीएलएड वालों के लिए विशेष रूप से आज क्लास है। हाँ, बाकी ये सब सीख लोगे वो अलग बात है। हाँ, तो मैंने कहा लिखो, फिर से एक बार बोलता हूँ, हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर, हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। एक बार फिर से सुन लो, जो लिखे हैं काटना मत उसको, नहीं तो लीप दो, लीपना मत उसमें। हाँ, अब सुनो फिर से एक बार, हम देखते हैं कि, नीचे लिखना इसके, हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या से, हम देखते हैं कि प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी, प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या में भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए भाग की संक्रिया संवरक नहीं है। देखो, जितनी बार बोलेंगे लाइन बदल जाएगी, क्योंकि अगर कहीं लिख के रखे रहें, हाँ अगर कहीं लिख के रखे रहे मान लो, तो उसको देख के वैसे वैसे बोल दें, ठीक है चाहे 8 बार बोलो वही बोलो, लेकिन अगर हम सोच के बोल रहे हैं तो भाई एक आध शब्द आगे पीछे हो जाएगा, तो कहोगे जितनी बार बोल रहे हैं उतनी बार अलग अलग। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, मैच देखो, सिर्फ मैच देखो, बस उन लोगों का मैच देखो और तुम्हारी ज़िंदगी का मैच खराब होने वाला है। भाग की संक्रिया में समरक प्रगुण हो गया, चलो आगे लिखो, शून्य से पूर्ण संख्या में भाग। अगला लिखो, शून्य से पूर्ण संख्या में भाग। शून्य से पूर्ण संख्या में भाग, पूर्ण संख्या में भाग, लिखो जल्दी, हो गया। देखो अब इसका मतलब समझो, शून्य से पूर्ण संख्या में भाग, इसका कंसेप्ट समझ लो, मतलब समझ लो बस बच्चा। शून्य से पूर्ण संख्या में भाग करोगे, यानी अगर मैं बात करूं कि 5 में हम भाग करें सुन्ना से, हाँ तो आपको पता है ये 0 आएगा। हाँ, सही है का, सही है का, नहीं सही है, ये अनंत आएगा। यहाँ पे ब्रेकर में लिख लो अपरिभाषित, देखो अभी दिखा दूंगा कैसे आएगा, ध्यान देना। हाँ ध्यान देना, अभी मैं दिखा दूंगा। लेकिन अगर 0 में भाग करो 5 से तो 0 आएगा, बोलो आएगा ना। हाँ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, सिंपल में आएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों दशा में बराबर है, क्या ये दोनों दशा में बराबर है, बताइए दोनों दशा में बराबर है, बराबर है नहीं बराबर ना, क्योंकि ये अनंत आ रहा है, 00 एक में सटा है, मतलब ये अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, ये 0 है। दोनों दशा में ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, जब इनको पलट दे रहे हैं तो। अब नीचे लिखो, पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर परिभाषित नहीं है, मतलब ये स्पष्टीकरण लिख लो, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर परिभाषित नहीं है। जैसे देखो यहाँ साइड में, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आप 4 ले लो, 0 से भाग करो, चाहे 8 बार ले जाओ, चाहे 18 बार ले जाओ, हमेशा यहाँ 0 आएगा, फिर ये 4 आएगा, कितनी बार भी ले जाओ ऐसे अनंत तक जाएगा, कभी कटेगा नहीं, भाग करके देख लो। हाँ एक बात यहाँ पे समझ लो, कि अगर 0 का गुणा करो 5 में तो 0 आएगा, 5 का गुणा करो 0 में तो 0 आएगा, 0 में किसी से भी गुणा कर दो सब 0 हो जाएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे उल्टा पुल्टा कैसे भी हो सब 0 हो जाएगा। जैसे देखो अगर मैं इतना बड़ा संख्या लिख दिया, हाँ इतना बड़ा लिख दिया, लेकिन शून्य से गुणा कर दिया तो सब 0 हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। देखो भैया सोनम, सोनम को ही डांट रही, क्या बात है, मतलब आप लोग लड़ाई भी करोगे का, कर लो ठीक है, ऑफलाइन क्लास होती तो मुसीबत होती, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा,
एक दूसरे को सब कुछ बोल दो, लेकिन हाँ गंदा बात मत बोलना। चलिए आगे देखिए, राघवेंद्र जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन पहले अभी पढ़ लो तब आए ना, अभी पढ़ लो, पढ़ाने के बाद आएंगे, तुरंत आएंगे, टेंशन मत लेना, सोना मत। चलो तो ये हो गया, अब लिखो पूर्ण संख्याओं में एक से भाग। कुल मिला के सारा कंसेप्ट यहाँ पे सीखना होता, बस पूर्ण संख्याओं में एक से भाग लिखो, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग। देखो भाई, हंसना रोना ये सब धार्मिक स्वतंत्रता है, और वैसे तो पहली बात यहाँ पे आपको शोरगुल भी नहीं सुनाई पड़ रहा होगा आपके घर तक, तो काहे आप परेशान है, हंसने दीजिए जिसका मन है। लिखिए पूर्ण संख्या में एक से भाग, तीसरा था कि चौथा था, जो भी है लिखो, पूर्ण संख्या में एक से भाग। देखो कल नहीं लिखवाएंगे, और लिखने वाला ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा है, ये हमें लगता है लिखने की वजह से नहीं आएगा, ये मामला अभी मेरे समझ में आया, कल पूरा टाइम लिखवाया था ना इसलिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल लड़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन उत्तर भी बताते रहना, क्योंकि हम पूछेंगे फिर। अब लिखिए, देखिए इधर साइड समझिए, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग। पूर्ण संख्या में एक से भाग का मतलब समझो पहले, यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हाँ देखो, अगर हम पाँच में एक से भाग करें तो कितना आएगा, आपको पता है क्या आएगा भाई, ये पाँच आएगा। हाँ क्या आएगा, ये पाँच आएगा ना। और अगर हम एक में पाँच का भाग करें तब का आएगा, क्या आएगा बोलो जल्दी फटाफट बोलो। लेकिन यहां पर हमें ये चीज नहीं करना है, ये चीज हमें नहीं करना है, ऐसा इसमें कहा नहीं गया है, ऐसा हमें करना भी नहीं है। बाकी हाँ, भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा, 0.2 आएगा, वो सही बात है, 0.2 आएगा। हाँ पहले समझ लो तब। हाँ देखो भाई, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो यार, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब कोई हंसेगा नहीं, सभी शांति से पढ़ो चुपचाप। चलो अगर हम 9 में भाग करें एक का तो कितना आएगा, 9 आएगा। अरे अपना अपना पढ़ो, काहे परेशान हो भाई, अगले को मत डिस्टर्ब करो, 500 लोग और भी हैं। ये कितना आया, 9 आया। और अगर हम 0 में भाग करें 1 का तो कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 0 में भाग करके देख लो, 0 आएगा। यानी आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, नीचे लिखो स्पष्टीकरण में, किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर, नीचे लिखो हिंदी में, हिंदी में नीचे लिखो, किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर। सोनम यादव आप उत्तर नहीं दे रही हैं, हमें लग रहा है ना, इसीलिए लड़ाई कर रहे भाई। कोई किसी के बारे में कमेंट नहीं करेगा, लेकिन दोनों लोग को ब्लॉक कर देंगे, दोनों लोग चले जाना आराम से, या फिर पढ़ना, बोल नहीं पाओगे। हाँ पढ़ोगे जा नहीं, मतलब वीडियो चलेगा लेकिन कमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए परेशान मत करो ना हो। नीचे लिखो किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है, भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। अगला हेडिंग लिखो, चौथा नंबर, जल्दी फटाफट फास्ट। अगला हेडिंग लिखो, लिखो शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग, शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग, जल्दी लिखो। हेडिंग नंबर कौन सा भैया, चौथा है, शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग। शून्यतर मतलब बोलो, शून्यतर मतलब, अब नहीं बोलोगे, झगड़ा करना हो ना तो चौचो चौचो बहुत करोगे तुम लोग भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। चलो कर लो, अगर 0 में 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 5 0 0। हाँ अगर 8 तो बाद में करो 0, 8 से करोगे शून्य आएगा,
मतलब किसी से भी गुणा कर लो, चाहे जितना बड़ा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, ये लो, हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। नीचे स्पष्टीकरण में लिखो फटाफट, लिखिए, जल्दी लिखिए, स्पष्टीकरण में लिखिए, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या का भाग शून्य में देने पर, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या का भाग शून्य में देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है, भागफल शून्य प्राप्त होता है। जल्दी जल्दी करो, लिखो फटाफट यार, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या का, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या का भाग शून्य में देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। अगला हेडिंग लिखो, पांचवा नंबर, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग। देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है आपको आना चाहिए, मत भूलना कि हाँ ये फालतू लिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट से आधारित सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। अभी देखो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आज इसी में, देखना कितना मस्त एक्सरसाइज होगा, वो अभ्यास प्रश्न आपको आना चाहिए सभी को, ठीक है? बस ध्यान से देखो, ध्यान से देखो फटाफट, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग, पांचवा नंबर लिखो, हेडिंग डाल दो, मैं नहीं लिखूंगा हेडिंग, फालतू काहे ले लिखूं ना, चलो हेडिंग डालो, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में, किसी शून्यतर, शून्यतर कैसे लिखेंगे भाई, यही से ये लिखो, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग, या फिर उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग। एग्जाम्पल नीचे लिखो, जैसे पाँच को पाँच से भाग दो, एक आएगा, नौ को नौ से भाग दो, एक आएगा। अगर हम 175 को 175 से भाग दें, एक आएगा। ये बताओ हेडिंग लिख लिए थे कि नहीं जो मैं बोला था ऊपर, बोलो यस या नो, जो मैं हेडिंग बोला था लिख लिए थे कि नहीं, यस या नो? भाई जिसका दिमाग चल रहा है वो लिख लेगा, जिसका नहीं चल रहा वो नहीं लिखेगा। लिख लिए? चलो पाँचवा नंबर हो गया। देखो जो ध्यान से देख रहे हैं, पूरा टाइम देख रहे हैं, उनको समझ में आएगा, जो अभी अभी जुड़े हैं वो नहीं समझ पाएंगे यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए पूरा टाइम देखना, क्लास बीच में मत जाना। लिख लिया था प्रतिमा चौधरी, आप काहे नहीं लिखी थी, कहाँ दिमाग गया था, कहीं चरने गया था का? भाई दिमाग को अपने पास में ही रखो, कहीं जाने ना पाए, यहाँ पे पढ़ रहे हो, सोच कहीं और रहे हो, हाँ तो दिमाग भी यहीं रहे, आप भी यहीं रहो, तभी समझ में आएगा ना। चलो ठीक है, जिनको पढ़ना था वो लिख लिए। तो ये हो गया, आपने यहाँ पे क्या सीखा कि किसी पूर्ण संख्या से अगर उसी पूर्ण संख्या में भाग दिया जाए तो हमेशा वन आता है, हमेशा क्या आता है, वन आता है। नीचे लिखो स्पष्टीकरण, लिखो नीचे लिखो स्पष्टीकरण, जो नहीं लिख लिए थे वीडियो थोड़ा पीछे कर लो, ऐसे ही स्क्रीन पे देखो, टच करोगे तो वीडियो पीछे हो जाएगा, और पीछे हो जाएगा तो लिख पाओगे, जैसे ये चल रहा है ना, इधर फाइड ऐसे टच करोगे दाहिनी फाइड, तो ऐसे वीडियो पीछे हो जाएगा 30 सेकंड, एक बार टच करोगे 30 सेकंड पीछे चला जाएगा और फिर लिख पाओगे, ठीक ना? पीछे करके देख लो, पीछे कर लोगे हो जाएगा पीछे, हाँ। अब चलो आगे, आगे लिखो, इसमें स्पष्टीकरण लिखो, नीचे लिखो, क्लियर करो पूरा, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर, उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है, भागफल एक प्राप्त होता है। फिर से एक बार सुन लो, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है। देखो शून्यतर का मतलब क्या है, ये शून्यतर का मतलब है शून्य के अलावा कोई और, शून्य के अलावा, हाँ शून्यतर का मतलब है शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, एक पाँच नौ चार आठ, मतलब कुछ भी लेकिन वो शून्य ना हो, हाँ। चलो तो ये हमें लगता है कहानी हो गई ख़त्म, मामला हो गया फिनिश, अब करो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अब लिखने वाला काम ख़त्म हो गया है। तो जिनकी सांसें रुक रही थी लिखने की वजह से, वो थोड़ा सा सांस ले लें एक बार लंबी, क्योंकि अब आपको लिखना नहीं है, हाँ ठीक है ना बच्चा लोग? तो जिनकी सांसें रुक रही थी ना, वो अब सांस लेना सीख लें कि अब लिखना नहीं है। चलो
अब डालो एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न डालो जो आप लोग पढ़े हो ना, उससे संबंधित सवाल कैसे बनते हैं ये चीज़ अब आपको देखना है। आपके एग्जाम में सवाल कैसे आ सकते हैं, कैसे आपको करना है, ये चीज़ें आपको सीखना है। जो नए छात्र जुड़े हैं उनको बता दें, ये क्लास हर रोज़ रात्रि 9 बजे से लेकर 9:45 तक लाइव चलती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। अगर कभी कभी क्वालिटी में कोई दिक्कत आती है तो हमें निसंकोच वो बता सकते हैं, हम उसको सुधार करते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कहीं जाना नहीं है। चलो पहला सवाल लिखिए, संख्या क्या बोल रहे हैं भाई, पहला सवाल लिखिए, अभ्यास प्रश्न पहला सवाल लिखो आप लोग। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्रमागत संख्या बताइए। क्या गिर रहा भाई, पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। क्रमागत संख्या बताइए, लिखो क्रमागत संख्या, हेडिंग डालो। लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्रमागत संख्या आप जानते हो, देखिए शरद तिवारी ने बता दिया क्रमागत संख्या। चलिए ठीक है, जैसे मैंने आपको अब आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया 20, अब 20 की क्रमागत संख्या बताओ, 5 संख्या बताओ। चलो 20 की 5 क्रमागत संख्या, झगड़े बंद हो गए क्यों अंकिता सिंह, मतलब आप चाहती हो कि झगड़े हों, मतलब यार गजब के आदमी हो आप लोग, लोग झगड़ा बंद करवाते हैं, आप सोच रहे हो झगड़ा हो तो अच्छा है। 20 की क्रमागत संख्या मैंने पूछा, सोनम शुक्ला ने सबसे पहले बताया, उसके बाद अंशिका सिंह ने बताया, लेकिन अंशिका सिंह का गलत है क्योंकि मैंने जो पूछा इन्होंने वो नहीं बताया। 20 की क्रमागत संख्या, देखो क्रमागत संख्या का मतलब इसके बाद 21, 22, 23, अब जितनी पूछा जाए उतनी लिख दो, जितनी पूछा जाए 10 पूछा जाए तो 30 तक लिख दो, 40 पूछा जाए 50, जितना पूछा जाए उतना लिख दो फटाफट, बस हो गई कहानी डन। चलो आगे चलें, तो ये पूर्ण क्रमागत संख्या आप जानते हो। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, अगर क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या पूछा जाए तो, क्रमागत सम या विषम पूछा जाए तो बताओ, चलो फटाफट बताओ। एक मिनट यहाँ पे सुनना, जाने दो क्रमागत सम विषम की बात यहाँ पे समझ लो। अगर मैंने कहा कि 4 और 4 की कोई क्रमागत सम संख्या बताओ, दो संख्या बताओ क्रमागत सम में, तो कितनी आएगी भाई, क्रमागत सम का मतलब 4 के बाद 5 तो सम है नहीं, 6 सम है, 7 सम नहीं है, फिर 8 है, ऐसे ऐसे एक एक छोड़ के हो जाएगा। हाँ ये सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या। अगर इसका कहीं माना जाता है ना, तो पहली क्रमागत सम संख्या अगर मानते हैं तो x मानते हैं, दूसरी x प्लस 2 मानते हैं, तीसरी x प्लस 4 मानते हैं, ऐसे माना जाता है। हाँ समझ में आ रहा ना, चलो। हाँ अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए मैं कुछ सवाल दूंगा, आप लोग इनकी पूर्ति करना, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे की कहानी क्या है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा भैया 0 प्लस 5, हाँ बहुत ही कंसेप्ट वाला है, जो अभी अभी आप पढ़े हो वही सब यहाँ है बस, और कुछ नहीं। लिखो ये 750 प्लस 895 है भैया, और इधर साइड में क्या है 895 है, और प्लस यहाँ भरना है। तो देख लो ये दूसरा नंबर थे, ये तीसरे वाले दादा थे, ये चौथा वाले हैं, इनको भी लिख लो और मुझे बताना क्या होगा। चलो बताओ जल्दी 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 करो, फटाफट करो, हल्दी करो कुछ लोग बोलते हैं ना, हल्दी नहीं मतलब जल्दी, ये देखो हल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ गड़बड़ा जा रहा है। चलो बताओ जल्दी करो फटाफट, सभी का सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए और एक मिनट इंतज़ार करिए।
जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, एक मिनट का टाइम है। हो गए सभी के आंसर? बालचंद्र, प्रियंका, शरद, हरिदय और कौन है भैया, संध्या, भारती, आयुष, सभी के उत्तर हो गए? सभी के नहीं हुए अभी तक, मतलब कुछ तो सो रहे हैं अभी तक नहीं बताए। चलो इनको जोड़ोगे, आपको पता है शून्य में कोई भी संख्या जोड़ते हैं हमेशा वही संख्या आती है, शून्य को शून्य में जोड़ोगे तो शून्य ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो 7 5 0 है या 8 9 5 है, दोनों को एक में जोड़ेंगे, ये बराबर डिसबैलेंस तब नहीं होगा जब दोनों में वही जोड़ा जाए, मतलब इधर साइड में क्या जोड़ेंगे बोलो। अरे जवाब दो यार, देख रहे हो तो मतलब क्या है, नहीं बोलोगे तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे भैया, यहाँ पे वही जोड़ोगे 750, जिससे दोनों बराबर रहे। अगर इसकी बात करें 1 है, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे हमेशा वही संख्या आती है, हमेशा वही संख्या आती है। और गर्मी अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। हाँ चलो इसको देखो क्या होगी इनकी कहानी, इनमें कोई मुसीबत नहीं है भाई, शून्य है और शून्य में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है। अरे यार यहाँ देख लो, जैसे जीरो में अगर हम 5 से भाग करें चाहे 8 बार ले जाएं तो 40 हो जाएगा, हमेशा जीरो जाएगा, 500 सिर्फ जीरो जाएगा। आप बोल सकते हो क्या आएगा इसमें, शून्य आएगा। ये थे आपके अभ्यास प्रश्न के कुछ सवाल, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि आपके ये अभ्यास में एक्सरसाइज में दिए हैं। हाँ एक और कह रहा है, एक क्वेश्चन और कह रहा है, ध्यान से देखना, ईमानदारी से देखना जितने बच्चे जुड़े हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले देख लेना तो चिल्लाना, आने तो कहो कि ऐसा नहीं ऐसा। क्या क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा ये, कह रहा क्या a माइनस बी माइनस सी, ध्यान देना पहले और क्वेश्चन नोट करो चाहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इक्वल a माइनस बी माइनस सी, जहाँ पर a b c पूर्ण संख्याएं हैं, जहाँ पर a b c पूर्ण संख्याएं हैं, नीचे लिखो जहाँ ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं, तो क्या ये संबंध हमेशा सत्य होता है, संख्याएं हैं तो क्या संख्याएं हैं संबंध सत्य सत्य होता है, बताओ। अगर इस तरह से दिया है ए बी सी पूर्ण संख्या है तो क्या ये संबंध सदैव सत्य होता है, इसको मैंने पढ़ाया था किसी प्रगुण में, बताओ किस में पढ़ाया था, कौन सा प्रगुण था भैया, ये साचर्य वाला था कि वितरण वाला था, किसी में आप पढ़े थे ना इस तरह का, मैंने एक प्रगुण में पढ़ाया था अगर आपने देखा होगा तो संबंध सदैव सत्य होता है, संबंध सदैव सत्य होता है। चलो देखते हैं होता कि नहीं होता, ट्राई करके दिखा देते हैं, देख लो आप लोग बोलो यस होता कि नहीं होता, ट्राई करके दिखा देते हैं, देख लो आप लोग बोलो यस होता है कि नहीं बोलो। चलो देखो, पुष्पेश सिंह क्लास 9th का बाबू शाम को 7 बजे चलता है, शाम को 7 बजे छोटे बच्चों के लिए, आप इतनी रात में काहे को आ गए। प्रिया रियल 07, ये भैया पहला नाम मैं सुन रहा हूँ जिसमें इतना कुछ अलग की चीज़ें जुड़ी हैं।
चलो देखो सत्य होता कि नहीं होता हम देख लेते हैं। मान लो कि हमने यहाँ लिया और यहाँ पे मैंने 6 और 5 ले लिया, और इनको भी कर लेते हैं। मान लो ये 5 माइनस 6 हो गया और इनको मैंने ले लिया कहा 7। ध्यान दो जैसे जैसे मैंने लिया वैसे वैसे नंबर रख देंगे। अगर कोष्ठक खोलेंगे इसमें से घटाई लोगे तो क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा। इनको घटाई लो तो क्या आएगा, 1 आएगा, और माइनस का 1, तो ये तो 6 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा। हमें तो नहीं लगता बराबर हो रहा है, बराबर कहाँ हो रहा है, मतलब मैंने क्या किया, कुछ गड़बड़ किया क्या, बताइए काहे नहीं हो रहा है। तृप्ति पांडे, शिखा पांडे बताइए, अभी तो बोल रहे थे होता है। आयुष जी, ज्योति पटेल, रंजना देवी ने पहले ही कहा था नहीं होगा, गुंजन सिंह, प्रिया ने भी कहा था नहीं होगा, तृप्ति, मतलब कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो एक बार ये जान लो कि नहीं होगा। देखो मैंने ट्राई किया, सिंपल सा लिखा मैंने, मान लो ए को मैंने 7 माना है, बी को 6 माना है, सी को कहा है यार, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा किया है का। एक मिनट रुको, इसमें सही तरीके से नहीं रखा गया है। देखो मैं यहाँ पहले स्पष्टीकरण दे दूँ तब। चलो मान लो मैंने ए को 7 माना है, बी को 6 माना है, सी को 5 माना है। एक मिनट रुको, ये सही तरीके से नहीं लिखा गया हमें लग रहा है, क्योंकि कुछ इसमें आगे पीछे हो गया है। वैसे ये होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए, जो भी है, लेकिन सही तरीके से कर लो एक बार। हाँ, 7 माइनस ये 6 माइनस 5 बराबर, अब ए को 7 माना है, बी को 6 माना है, और इसको 5 माना है। ध्यान दो, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब हम करेंगे। तो हमने 7 6 5 और 7 6 5 सीरियल से लिख दिया बच्चा। हाँ अब चलो, 7 माइनस इसको घटाओगे 1 आएगा, वैसे भी इसको घटाओगे 1 आएगा, माइनस 5, तब्बो तो ना होई भाई, कहाँ होगा। इसमें से 5 घटेगा 1 आएगा ना, 6 बराबर माइनस का 4, ये तो और खतरनाक आ गया। नहीं होगा, जैसे फार्मूला दिया है मैंने वैसे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया था, ये क्वेश्चन है दिया है, मैं वो नियम नहीं लगा रहा हूँ जो आप पढ़े हो, जो आपने पढ़ा होगा वो नियम मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये आपका सवाल दिया है किताब में कि अगर इस तरह से कंडीशन दी गई है तो क्या ये बराबर होंगे दोनों, नहीं होंगे। हाँ नहीं होंगे बराबर, चलिए। हाँ, क्या विभिन्न शून्यतर पूर्ण संख्या के लिए, एक दूसरा सवाल देखो ध्यान से, पहले मैं सवाल लिख दूंगा तब बोलना। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही छोटा सा है, बड़ा ही प्यारा सा है, अभ्यास प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आए भी हुए हैं, पीछे साल की परीक्षाओं में आपकी DLED के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आप ईमानदारी से इनको देखो और प्यार से देखो, हाँ मतलब दोनों में अंतर होता है। क्या दो विभिन्न शून्यतर पूर्ण संख्याओं, क्या दो विभिन्न शून्यतर पूर्ण संख्याओं, शून्यतर पूर्ण संख्याओं ए तथा बी के लिए ए डिवाइड बाई बी, ध्यान दो अब यही तो मेन है, ए डिवाइड बाई बी प्लस बी इक्वल ए संभव है। बोलो क्या ये संभव है, अगर ए बी दोनों पूर्ण संख्या हैं तो क्या इस तरह से करने पर ए आएगा। बोलो चलो सोचो और बताओ, और मैं इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हाँ ये आएगा या ना आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। देखिए अभी अभी 15 स्टूडेंट जुड़े हैं, ये 15 स्टूडेंट छुट्टी कराने आए बस,
इनको पता है कि रात 9 बजे से लाइव होता हर रोज, लेकिन ये पता नहीं कौन से रिश्तेदारी चले गए थे कि वहां से इनको आने नहीं दिया जा रहा था, ये अभी अभी आए। देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट के विचार आ गए, जैसे कि अनुज पांडे, आंचल सिंह, सोनम शुक्ला, सोनम यादव, साक्षी सिंह, आसिफ हुसैन, तृप्ति पांडे, शिखा पांडे और अनिल वर्मा, आयुष वत्स। आयुष वत्स जी, बच्चा आपकी क्लास मॉर्निंग में होती है 10 बजे, 10 वालों की सुबह 8 बजे। हाँ अब देखो, मान लो कि हमने ए को मान लिया 7 और बी को मान लिया 6, चलो तो ये हो गया 6, तो क्या ये बराबर 7 होगा? बोलो क्या होगा भाई, देख लो ना, आपके सामने है। हम पढ़े हैं बोर्ड मास वाला नियम, कौन सा पढ़े हैं? बोर्ड मास वाला नियम पढ़े हैं। तो पहले भाग करेंगे, इसको भाग करोगे तो कट भी ना करेगा, मतलब कोई एक पूर्ण संख्या आएगी ही नहीं, दशमलव में आएगी तो ये इसमें जुड़ेगा तो ये कभी इसके बराबर नहीं आएगा, नहीं होता है, उत्तर होगा नहीं, ये कभी बराबर नहीं होगा। ये सवाल आपको दिया गया है, इस बात को मत भूलना, याद रखना, ठीक है? तो ये क्लास आपकी कितना बजे होती है बच्चा लोग, पता है आपको? हर रोज़ रात 9 बजे से होती है, 9:45 तक बिल्कुल फ्री क्लास होती है, आप देखना ना भूलें। और हाँ, आज का टाइम ओवर होता है तो आप लोगों को एक बात याद दिला दें कि जो छात्र जल्दी से जल्दी पूरी क्लास चाहते हैं वो PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर जा करके पूरा क्लास उपलब्ध देखें, ठीक है? गूगल प्ले स्टोर से PVR स्टडी ऐप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात सुन लो, जिन बच्चों की क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है वो PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो ये जान लो भैया कि टेलीग्राम जो है वो व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग मैसेंजर ऐप है, टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग मैसेंजर ऐप है, इसे अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसमें सारी क्लास की लिंक भेज दी जाती है, ठीक है? बात समझ पाए हमारी? PVR स्टडी के टेलीग्राम चैनल में अब तक जो क्लास चली हैं वो सारी क्लास भेजी गई हैं, जैसे आज आपकी 11 नंबर क्लास है, 11 पीछे की 10 क्लास भी आपको इसमें मिल जाएंगी अगर आप PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, उसमें ढूंढोगे तो मिल जाएगी, उसमें सब भेजी जाती है, 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th, 2nd सब भेजी जाती है, अभी तुरंत जाके डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो। हाँ साक्षी सिंह, आपको एनी टाइम नहीं मिलता है, सभी टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ो तब ना, रात जब क्लास होती उसी टाइम पे जुड़ोगे तब मिलेगा, बाद में मत सोचना कि बाद में मिलेगा, YouTube पे बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए क्लास के टाइम पे आओ और देखो पूरा। और हाँ, जिन बच्चों को कोई क्लास मिलती है उनसे निवेदन है कि वो वीडियो को डाउनलोड नहीं करेंगे, हाँ कोई बच्चा वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा, सभी ऑनलाइन देखेंगे, हम पूरा कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री देंगे, लेकिन आपसे गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि आप सभी अपने साथियों में भी क्लास को शेयर करिए, जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो लड़की है, लड़का है, अंकल है, आंटी है, कोई भी है, भैया है, भाभी हैं, सबको भेजो, ठीक है? और सोनम सोनम दोनों की खोपड़ी लड़ा दिया जाता है, आपको पता है, जो एक ही नाम के होते हैं लड़ाई करते हैं, तो आप लोग लड़ाई मत करिए, मतलब क्या एक दूसरे के नाम से जलन है या फिर कोई और पुराना रिश्ता है? तो सभी बच्चे क्या करेंगे, उसी टाइम नहीं मिलती है। साक्षी सिंह देखिए, आप अगर PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की रहेंगी तो आपको लिंक भेज दी जाती है, ठीक है? तो जिनको टेलीग्राम चैनल में कोई दिक्कत होती ज्वाइन करने में, वो इस नंबर पे सुबह 10 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 बजे से फिर से लाइव होगी 4th सेमेस्टर वालों के लिए, जिन बच्चों को सीखना है वो जरूर जुड़ेंगे, 4th सेमेस्टर वालों के लिए क्लास चलेगी, सभी लोग जरूर आना, ठीक है? सभी लोग जरूर आना।